फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ईओटी क्रेन में जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है स्लिप रिंग मोटर की रोटर साइड में जो यूज़ किया जाता है मोटर का स्पीड स्टेप अप डाउन कराने के लिए, उसका मैं पावर कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, ये है स्लिप रिंग मोटर और यहाँ पे देखिए जो स्लिप रिंग लगा है तीनों फेज के लिए, ठीक है, जो कार्बन ब्रास से कनेक्टेड है। तो इसका जो लीड है, तीनों लीड सीधा जाता है टर्मिनल में, और जो स्टेटर का है, स्टेटर का तीनों लीड भी जाता है टर्मिनल में। तो आप देखिए यहाँ पे दो केबल लगा है, एक स्टेटर की एक रोटर की। तो चलिए अभी रोटर साइड में कैसे रेजिस्टेंस कनेक्शन होता है वो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने रेजिस्टेंस की कवर जो है वो उसको ओपन कर लिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबरिंग जो टर्मिनल है, ये देखिए एफ ई और डी, ठीक है, ये तीनों संख्या की टर्मिनल है। तो डी ई एफ ये तीनों फेज का अलग अलग टर्मिनल है। आप देख सकते हैं, देखिए एफ यहाँ पे जो है टर्मिनल एफ एफ टू एफ वन वैसा होगा। देखिए यहाँ पे ई ई टू ई वन और डी का भी वही है, डी डी वन डी टू। तो यहाँ पे जो कनेक्शन किया है देख सकते हैं, ये जो है मोटर का केबिल एक और एक आपका आ रहा है कॉन्टैक्टर से, ठीक है, जो ई में कनेक्शन है। डी में देखिए यहाँ पे दोनों वायर जुड़ा है और एफ में भी दो वायर जुड़ा है। तो चलिए इसका कनेक्शन कैसे होगा आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका रेजिस्टेंस का जो स्टार पॉइंट है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से चालू हो रहा है जो ये एंड पॉइंट है, तो देखिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ये जो प्लेट है ये सीधा उधर जा रहा है, और देखिए अंदर में शॉर्ट है, शॉर्ट लिंक है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ पे शॉर्ट है, फिर यहाँ से जा रहा है। तो ऐसे करके ये पूरा रेजिस्टेंस जो है ये एक यूनिट है, ये मानिए आपका रेड फेज के लिए। फिर आपका ये है वाई फेज के लिए और ये नीचे में जो है बी फेज के लिए। तो तीनों फेज का अलग अलग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको कनेक्शन कैसे करना है, आपको स्टार पॉइंट को ढूंढना है सबसे पहले। तो देखिए इसका जो है स्टार पॉइंट एंड में था, ठीक है, तो स्टार में मोटर लोड नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया है, रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा कम कर दिया है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे, यहाँ से आके यहाँ पे और फिर यहाँ से शॉर्ट होके जो नीचे है यहाँ पे आ रहा है। तो ये स्टार पॉइंट है, रेजिस्टेंस का स्टार पॉइंट है। तो जैसे मोटर चालू होगा तो इतना जो रेजिस्टेंस वैल्यू है इससे चलेगा, ठीक है। तो फेज यहाँ से आएगा, मानिए रेड फेज यहाँ से आया, फिर जो है वाई फेज यहाँ से आया, ठीक है, और बी फेज यहाँ से आया, तो आपका स्टार में चल रहा है, ठीक है। तो जैसे आपका स्टेप होगा थ्री स्टेप फोर स्टेप, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो करना है, जो पहले कॉन्टैक्टर ऑन होगा रोटर साइड में वो इससे कनेक्शन देना पड़ेगा। देखिए एफ वन, एफ वन देखिए एफ वन है, फिर इसका भी आएगा इस रेजिस्टेंस का ई वन, और इसका जो डी का है यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है डी वन, ये सबसे पहले कटेगा, ठीक है, जो रोटर कॉन्टैक्टर सबसे पहले पकड़ेगा, यहाँ पे कनेक्शन देना होगा। फिर आपका आएगा देखिए स्टार के बाद आपका वन आ गया है, जो एफ वन आ गया है, फिर देखिए फिर आपको देना पड़ेगा इसको जो है एफ टू, देखिए ये सीधा आ रहा है एफ टू, फिर इसको आपको पावर देना है कॉन्टैक्टर, जो रोटर साइड का दूसरा स्टेप जाएगा कॉन्टैक्टर से आएगा,
इसमें आपका लाइन आएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका जो है एंड में है एफ, फिर आपका जो लास्ट स्टेप पकड़ेगा तो इसमें लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका मोटर जैसे ऑन हुआ है, आपका फुल रेजिस्टेंस में चल रहा है स्टार्ट में, फिर देखिए जब जैसे इसमें लाइन दिया है तो इतना वैल्यू इसका नहीं रह, ठीक है, तो आपका मोटर का स्पीड बढ़ेगा। फुल रेजिस्टेंस में चल रहा है तो इसका मोटर का स्पीड थोड़ा कम होगा, जैसे आपका इतना कट जाएगा तो आपका मोटर का स्पीड थोड़ा बढ़ेगा। फिर आप जैसे इसमें लाइन आ जाएगा, इसमें से शॉर्ट हो जाएगा तो आपका इतना सा पूरा वैल्यू कट जाएगा, ठीक है, तो मोटर का स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका रहेगा इतना सा खाली। फिर एंड में जो कंडक्टर ऑन होगा रोटर साइड में, तो जैसे ऑन हो जाएगा इससे आपका शॉर्ट हो जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस वैल्यू था पूरा जीरो हो जाएगा, आपका मोटर रोटर जो है पूरा शॉर्ट होके एकदम हाई स्पीड में चलेगा, मोटर का जितना आरपीएम है फुल उतना में चलेगा। तो दोस्तों आपका जो रेजिस्टेंस में ये नेम प्लेट है इसका क्या गुरुत्व है, आपका अगर नेम प्लेट नहीं रहेगा तो आपको ये स्टार पॉइंट जो है, स्टार पॉइंट को पहले ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा उसके बाद कौन सा आ रहा है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर एंड में जो आ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे देख के कनेक्शन करना है। तो चलिए आपको रोटर साइड में जो कंडक्टर है वो कैसे ऑन होता है उसको दिखाते हैं। तो देखिए ये जो है रोटर कंडक्टर, आप देख सकते हैं तीनों कंडक्टर लगा है, तो ये जो है सबसे पहला कंडक्टर है। तो जैसे स्टेटर में दो कंडक्टर है, आपको दिखाएंगे, देखिए ये स्टेटर में दो कंडक्टर है रिवर्स फॉरवर्ड के लिए, जैसे ये दोनों में कोई अप डाउन, ये अप डाउन का कंडक्टर है, जैसे कोई एक ऑन होगा तो आपका रेजिस्टेंस में जो स्टार पॉइंट है, जो स्टार पॉइंट है, ठीक है, इससे लाइन आके पूरा रेजिस्टेंस वैल्यू लेके आपका मोटर स्लो स्पीड में चलेगा। फिर जैसे आप एक स्टेप आगे करोगी तो ये कॉन्डक्टर ऑन हो जाएगा, जैसे ये कॉन्डक्टर ऑन हो जाएगा आपका जो रेजिस्टेंस में स्टार के बाद जो आता है वो यहाँ पे शॉर्ट होगा, ठीक है। तो जैसे शॉर्ट हो जाएगा आपका मोटर्स का स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, ऐसे करके सेकेंड स्टेप में भी जाएगा, और फिर जो लास्ट स्टेप आपका देंगे, लास्ट स्टेप जो जैसे देंगे आपका जो रोटर साइड है यहाँ पे आपका पूरा शॉर्ट हो जाएगा, आपको पहले ही दिखाया है। ये जो है लास्ट एंड में जो कंडक्टर लगा है उसका केबल देखिए यहाँ पे आ रहा है, और ये जो है मोटर का, तो पूरा शॉर्ट हो जाएगा, तो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगा, मोटर हाई स्पीड में आपका चलता जाएगा। तो दोस्तों ये जो टैग लगा है ये अगर नहीं भी रहेगा, आप अगर स्टार को फॉलो करोगी रजिस्टेंस में कहाँ स्टार पॉइंट है, तो इसके मान के चलोगी तो आप इसका कनेक्शन आसानी से कर लोगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन जो दिख रहा है उसको ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।